जो पहुंचने ही वाले हैं, हम लोग माधव नंदी विजिट करेंगे। मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ, थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये देखिए मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, मुझे कोऑपरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं आज वीडियो बनाने के लिए माधव मंदिर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर नलबारी से हम लोग स्टार्ट किए थे और अभी हम हाजो का चौक पहुंचे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये गुवाहाटी से ये रास्ता आते हैं और यहाँ से माधव मंदिर केदार मंदिर को डायरेक्ट करते हैं। तो अभी हम माधव मंदिर को जा रहे हैं साउथ की तरफ। आ जाओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी हमको भी निकलना है। कहाँ गाड़ी तो रख दिए हैं। ये है माधव मंदिर का एंट्रेंस। चलिए, वी हैव टू गेट इनटू द टेंपल। क्या कोशिश है? ठीक है, जा मंदिर आते जा। मैं क्या वीडियोग्राफी कर रही है सुरभा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ये बोर्ड लगा हुआ है, ग्रेट माधव टेंपल। पूजा वाला जो भी सामान आपको चाहिए यहाँ मिल जाएगा। बहुत अच्छा ऐसा वेंडर्स जो है यहाँ लगा के बैठे। अभी अभी चालू हो रहा है अभी, क्योंकि अभी टाइम हुआ है। ये यहाँ का लोकल चीजें हैं, लोकल जो हाजो इज फेमस फॉर बेल एंड ब्रास मेटल। तो ये देखिए कितना बढ़िया चीजें, दिया वगैरह लगाने का। यहाँ का एक एंटरप्रेन्योर है, ये दुकान चला रहे हैं यहाँ माधव मंदिर के सामने। आपका शुभ नाम? श्री पल्लव कलिता। पल्लव कलिता, ये दुकान चला रहे हैं आप? कितने सालों से चला रही है? 1300 साल हो गया। बाप रे, 13-14 इयर्स इनका हो गया है। मंदिर कितने साल पुराना है? 5000 साल होगा। 5000 साल। माधव मंदिर नाम क्यों रखा गया है? विष्णु का अवतार है इसलिए माधव। और इसका स्पेशलिटी, खासियत क्या है ये मंदिर का? तुलसी मेला देता है, लोक विश्वास है। हाँ, लोक विश्वास है और लोग मानते हैं कि यहाँ, हाँ, तुलसी का माला चढ़ाते हैं और उसके बाद उनका जो भी मनोकामना रहता है वो उसका पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है। चलिए पल्लव, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और हमारा बर्मन्स ब्लॉग को प्यार देते रहिए, है ना। चलिए, थैंक यू। मंदिर को एंटर करते ही पहले यहाँ कछुआ, मछली, ये सब चीजें हैं, तो हम ये दिखा देते हैं। यहाँ कुछ खिलाना पड़ता है, जो ये मुरमुरा वगैरह, बिस्किट्स वगैरह वो देते हैं। यहाँ देने के बाद वो आ जाते हैं कछुआ। चलिए देखिए कछुआ नजदीक से देखिए। तुलसी माला जो तुलसी का बता रहे थे, ये मेन खासियत है यहाँ का, तुलसी माला देना ही पड़ता है तो मनोकामना पूर्ण होता है। चलिए अभी श्री श्री हयग्रीव माधव टेम्पल हाजो कामरूप आसाम, तो यहाँ से ये एंट्रेंस है और आप लोग देख पा रहे हो हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए, चलिए हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं लेकिन नीचे जो है धूप से एकदम, बाप रे बाप, यहाँ तो रुक नहीं सकते हैं। ये देखिए ऊपर चढ़ रहे हैं और मेरे पीछे वो जो हम तालाब से आए थे वो तालाब भी दिखेगा। बहुत मजा आएगा, लेकिन बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। माधव मंदिर हाजो एरिया में है और ये हाजो एरिया रूरल कामरूप डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जो कि गुवाहाटी से वेस्ट के तरफ 30 किलोमीटर दूरी पर है। ये एरिया को पंच तीर्थ बोलते हैं, मतलब यहाँ तीर्थ स्थान जो है बहुत सारे हैं, लेकिन रेटिंग वाला जो तीर्थ स्थान है वो 5 तीर्थ स्थान यहाँ है ये एरिया में। तो वो 5 तीर्थ स्थान में से हम लोग माधव मंदिर ये हम लोग अभी विजिट किए हैं। ये मंदिर यहाँ के जो पुजारी लोग हैं हजारों साल पुराना बोलते हैं, मतलब 5000-6000 साल पुराना है। भगवान श्री विष्णु का एक अवतार है माधव करके,
और उन्हीं के नाम से विष्णु भगवान का ये मंदिर था। और उस समय में मतलब 1500 की मैं अगर बात करूं तो वो राजा महाराजा के जमाने में उस समय कोच करके एक डायनेस्टी था। अभी तो ये एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बन गए हैं कोच। राजवंशी करके एक सरनेम आते हैं आसाम में, तो वो राजवंशी जो लोग हैं वो कोच कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो कोच समाज का एक बहुत बड़ा राजा था जिनका नाम था नर नारायण। ये नर नारायण का एक सेनापति था जिनका नाम है शीला राय, और शीला राय का लड़का जिसका नाम था रघुदेव नारायण। और रघुदेव नारायण ने सन 1583 में ये मंदिर को यहाँ स्थापित किया था। तो तब से ये मंदिर चल रहा है और 500-600 साल पहले उन्होंने ये मंदिर को एस्टैब्लिश किए थे यहाँ। और अभी जो कुछ वंश के बारे में मैं बताया हूँ डायनेस्टी के बारे में, वो दो विभाग में उन लोगों को डिवाइड किया था। एक है आपका कोच हाजो और एक है कोच बिहार जो कि वेस्ट बंगाल में आते हैं। तो कोच बिहार कोच, ये कोच हाजो करके जो दिए थे तो उसी के नाम से ये जगह का नाम है हाजो। और ये माधव मंदिर जो है ये मणिकूट हिल्स बोलते हैं, ये हिल में ये माधव मंदिर स्थापित है। ये जो आप लोग पत्थर देख पा रहे हो ये उस समय का पत्थर है, बताए थे 5000 साल पुराना है राजा महाराजा के समय का। साउंडिंग तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ एकदम पूरा ग्रीनरी भरा हुआ है, पूरा इको फ्रेंडली एरिया है। इतना बढ़िया हवा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन বিষ্ণু মন্দিৰ হাজৰ পুৰণা ঐতিহ্য মন্দিৰ, এইটো মণিকূট টিলাৰ ওপৰত অৱস্থিত। সৰু বিষ্ণু পুষ্কৰত ইয়াত ধুই ইয়াত দৰ্শনৰ কাৰণে আহিব লাগে, আহি ইয়াৰ পৰা ঘূৰি পৰিক্ষণ কৰিব লাগে, পৰিক্ষণ কৰি ইয়াত সোমাব লাগে। মাঘ মাহ আৰু কাতি মাহ বিশেষ ভিৰ হয় মন্দিৰত, এই দুটা মাহ। আৰু হাজো পঞ্চতীৰ্থ বুলি কোৱা হয়, এয়া আছে হয়গ্ৰীৱ মঠৰ বিষ্ণু মন্দিৰ, ইয়াৰ পৰা অকণমান আগুৱাই গ'লে গণেশ মন্দিৰ, কামেশ্বৰ মন্দিৰ, কেদাৰ মন্দিৰ, কমলেশ্বৰ মন্দিৰ, এই 5খন তীৰ্থস্থান পঞ্চতীৰ্থ। ইয়াত মানে ভোগটো সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ, মুগৰ দাইল, ৰঙালাও, আলু, কাচকল আৰু ঘি লাগে। তাৰপিছত যাত্ৰীক 2 বজাত বিতৰণ কৰি দিয়া হয়। আকৌ গধূলি এভাগ পূজা হয়, লাহ বুলি কয়, সন্ধি পূজা বা লাহ, তেতিয়া এভাগ পিঠা বনোৱা হয়, সেইটো এটা পুৰি ভোগ বুলি কোৱা হয়। এই ভোগটো নিত্য নৈমিত্তিক সদায় চলে, ঠিক তেনেকৈ আজিৰ পৰা চলি আছে আজিলৈও বৰ্তমান। ইয়াৰ কোনো ক্ৰুটি হোৱা নাই, ভোগ ভাত পিঠা পায়স এইবিলাক সদায় হৈ আছে। लोगों को वीडियो मजा आया होगा, अगर मजा आया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट तो कर ही दीजिएगा, जो भी हमारा लैकिंग है उसको बताइएगा, ताकि हम लोग आगे जो वीडियो प्रेजेंट करेंगे उसमें बहुत बढ़िया से आप लोगों को परफेक्टली प्रेजेंट कर पाएंगे। तो माधव मंदिर का जो वीडियो है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और नए से अगर बॉर्मन्स ब्लॉग का वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।